वेलकम टू कैम्बोस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस HSAB कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। बात करें प्रीवियस लेक्चर्स की तो वहाँ पर ऑलरेडी हम 4 कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू एसिड्स एंड बेसिस डेफिनेशन। पहला था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सेकेंड था ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, थर्ड था हमारे पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, फोर्थ था हमारे पास लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आज हम पढ़ेंगे उजानोविच कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमारे पास जो उजानोविच कॉन्सेप्ट है, इसने सभी कॉन्सेप्ट्स को जो कि एसिड्स एंड बेसिस से रिलेटेड हैं उन्हें अपने में इंक्लूड कर लिया है। कैसे डिफाइन करेंगे एसिड्स एंड बेसिस को अकॉर्डिंग टू उजानोविच कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू उजानोविच कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट reacts with bases forming salts gives up cation or accepts anions or electrons। यानी एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होगा अकॉर्डिंग टू उजानोविच कॉन्सेप्ट जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट्स की फॉर्मेशन करेगा, कैटायंस को लूज करेगा, गिव अप करेगा और एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगा, उन्हें एक्सेप्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि बेस को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट reacts with acids gives up anions or electrons or combines with cations। यानी हमारे पास बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करें, लूज करें या गिव अप करें एनायंस को या इलेक्ट्रॉन्स को, और एक्सेप्ट करें या कंबाइन करें कैटायंस के साथ। ये है उजानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन। अब ये तो बात हुई डेफिनेशन की, अब हम वन बाय वन ये क्या क्या कहना चाहता है एग्जांपल के थ्रू डीप में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, देखिए डियर, अगर हम रिएक्शन करें HCl और NaOH की, HCl प्लस NaOH, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है सॉल्ट NaCl और साथ में हमारे पास H2O। अब हमारे पास ये होगा एसिड और ये होगा बेस, बिकॉज दे आर कंबाइनिंग विद बेस एंड एसिड रिस्पेक्टिवली।
और यही तो हमारे पास बात है कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि रिएक्ट करे बेसिस के साथ और क्या फॉर्म करे, साल्ट फॉर्म करे। इसी तरीके से बेस वो सब्सटेंस होगा जो कि रिएक्ट करे एसिड्स के साथ। तो ये हमारे पास ये एस्पेक्ट हो गया। लिख भी सकते हैं यहाँ पर जो HCl है वो है एसिड और हमारे पास जो NaOH है वो क्या है, बेस है। बिकॉज दे कंबाइन विथ बेस एंड एसिड रिस्पेक्टिवली। तो ये हमने जो डेफिनेशन दी उजानोविच ने कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करें और साल्ट्स की फॉर्मेशन करें, और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करे, उसको हमने एग्जांपल के थ्रू एनालाइज कर लिया है। अब बाकी की जो बातें हैं अब उन्हें समझते हैं। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए डियर, अब बची हुई डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब आप एक रिएक्शन कंसीडर करें, SO3 प्लस CaO। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है CaSO4, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ Ca2 प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पर डियर हमारे पास जो SO3 है बिहेव कर रहा है एज एसिड, क्यों? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एनायन यानी O2 माइनस, जिसे किसने दिया है, CaO। ये लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में भी हम ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं। तो यही बात हमारे पास यहाँ है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि हमारे पास क्या करे, यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया एनायन को, एक्सेप्ट्स एनायन। तो ये बात भी क्लियर हुई कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एनायंस को एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ इतना पार्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन लिखते हैं 4KCN प्लस FeCN ट्वाइस। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है 4K4 4 प्लस FeCN6 4 माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो KCN है वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है क्योंकि इसने हमारे पास एनायन को लूज़ किया, एनायन को गिव अप कर दिया जो कि है हमारे पास CN माइनस, और हमारे पास बेस वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या गिव अप कर दे, एनायंस को गिव अप कर दे। लिख सकते हैं यहाँ पर KCN किस तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट्स एज ए बेस, क्यों? बिकॉज इट गिव्स अप एनायन, और वो क्या है हमारे पास, सी एन माइनस, और वो हमारे पास उजानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, बेस है। आया फील डेफिनेशन का थोड़ा थोड़ा? तो आप इसे नोट कीजिए, देन हम और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा और इस कॉन्सेप्ट में चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। Cu प्लस Cl2, हमारे पास फॉर्मेशन होती है Cu2 प्लस Cl2 2 माइनस, यानी हमारे पास यहाँ पर Cl एज एन एसिड एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, और उजानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कि हमारे पास एक्सेप्ट करे एनायंस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होगा,
एसिड। इसी तरीके से Mg प्लस F2, Mg 2 प्लस F2 2 माइनस। यहाँ पर जो Mg है वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और उज़ानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या फिर गिव अप करे वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे पास बेस। इसी तरीके से HCl प्लस NH3 और हमारे पास फॉर्मेशन होती है NH4Cl की। क्लियरली हमारे पास ये HCl है वो एज एन एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कैटायन को गिव अप किया है, गिव्स अप कैटायन, और वो हमारे पास यहाँ क्या है H+। इसी तरीके से हमारे पास रिएक्शन हम लिखते हैं H2SO4 प्लस NH3, और हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है NH4 2SO4 की। आप यहाँ पर हमारे पास जो NH3 है उसने एज ए बेस एक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया है कैटायंस को एक्सेप्ट किया है, कंबाइन किया कैटायंस के साथ। हो उजानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग NH3 क्या होगा? बेस होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं टेक्स अप कैटायन जो कि है H+। तो आई थिंक थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी उजानोविच कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे नोट डालकर लिखिएगा। देखिए डियर, हमारे पास जो उजानोविच कॉन्सेप्ट है और जो ल्यूस डेफिनेशन है उसके बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो काफ़ी शार्प है। कुछ केसेस में हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हमारे पास जो डोनर एक्सेप्टर बिहेवियर है यानी जो ल्यूस कॉन्सेप्ट है और हमारे पास जो उजानोविच डेफिनेशन है यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन है उन्हें हम सेपरेट कर सकें। आप ये पहले लिखिए, देन मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। द डिस्टिंक्शन बिटवीन the Lewis definition and Uzanovich definition is not very sharp. In certain cases, it is not possible to separate the donor acceptor बिहेवियर, जिसे हम ल्यूस कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ल्यूस कॉन्सेप्ट, फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन जो कि हमारे पास है उजानोविच डेफिनेशन। एग्जांपल से समझते हैं, जब हमारे पास हम पिरिडीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं पिरिडीन ऑक्साइड में। अब रेडॉक्स रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल C6H5N, ये है हमारे पास पिरिडीन, साथ में हमारे पास O। अब हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है
C6H5NO। ये है हमारे पास पिरिडीन ऑक्साइड। अब अगर हम बात करें डियर लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास लुइस एडक्ट है, किस किस के बीच में, बिटवीन पिरिडीन जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है एंड ऑक्सीजन जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। यह तो हमारे पास बात हो गई लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे पास उजानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑक्सीजन रहेगा वो उजानोविच एसिड रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनायंस को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है उजानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उजानोविच एसिड, और हमारे पास जो पिरिडीन होगा वह एज ए बेस एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनायंस को इलेक्ट्रॉन्स को जो गिव अप कर दे उजानोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है बेस। तो डैट्स वाई हम बोल रहे थे कि इनके बीच में डिस्टिंक्शन काफ़ी शार्प है, कुछ केसेस में तो हमारे लिए सेपरेट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पर लुइस कॉन्सेप्ट है या हमारे पास उजानोविच कॉन्सेप्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समाप्त करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। बेसिकली आज हमने देखा उजानोविच कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जाना कि हमारे पास कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एसिड्स को और बेसिस को, एग्जांपल्स के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश की, डेफिनेशंस को हमने डीप में क्रैक करके हमने उसे सीखा। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में बात की। तो चलिए, होपफुली आपने इस लेक्चर को इंजॉय किया होगा। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।